Hi guys, in this part we are going to implement the new category options. So now click on this new category और यहाँ पर एक category को add करें. चलें मैं यहाँ पर एक category को add करता हूँ other और यहाँ पर base को create करता हूँ. तो इस option को हम इस video में implement करेंगे कि इसमें हमारे पास किस user ने इसको create किया है और यह shop मतलब वो category का नाम यहाँ पर other. सो दिस इज द न्यू कैटेगरी जो हम इस प्रोजेक्ट में इसको इम्प्लीमेंट करेंगे कि इसके थ्रू अपने ब्रांच अपने लिए स्टॉक कैटेगरी यहाँ पर ऐड करें. बट बिफोर स्टार्टिंग द न्यू कैटेगरी इम्प्लीमेंटेशन फॉर मोर वीडियोज फॉर प्रीवियस वीडियोज आपको इस यूट्यूब चैनल पे मिलेगा यस ऑफ सॉफ्टवेयर कंपनी और इस पे आपको अदर प्रोजेक्ट्स भी मिलेगा पॉइंट ऑफ सेल यूजिंग अकाउंटिंग सिस्टम ऑटो कार पार्किंग एंड सो ऑन. सो फॉर मोर प्रोजेक्ट्स एंड फॉर मोर वीडियोस सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल एंड आल्सो क्लिक ऑन दिस बेल बटन. इस बेल बटन के थ्रू आपको अपडेट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा. तो चलते हैं इम्प्लीमेंट करते हैं इस न्यू कैटेगरी को. सो चलते हैं इस न्यू कैटेगरी को इम्प्लीमेंट करते हैं. सो ओपन द प्रोजेक्ट एंड स्टॉप द डिबगिंग एंड देन अब हमें जाना है यहाँ पर दोबारा स्टॉक कंट्रोलर में और यहाँ पर इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे. तो फिर ऐसा करें कि किसी भी जो है कंट्रोलर से जो है एडिट क्रिएट वायर कॉपी करें, लेकिन हमने आल ब्रांच को स्टार्ट किया हुआ है इसे वो डिज़ाइन कॉपी किया था वो सब चीज़. तो चले इसे वही क्रिएट को भी कॉपी करें. इसमें ये वैलिडेशन वगैरह हम कर देंगे वो मसला नहीं है, लेकिन चलिए इस क्रिएट को पहले यहाँ से अब कॉपी करें. फिर उसके बाद जो है हमें यहाँ पर चलना है दोबारा स्टॉक कैटेगरी में एंड प्रेस दिस कोड बिलो द ऑल कैटेगरी मेथड और यहाँ पर हमें क्या करना है क्रिएट कैटेगरी और यहाँ पर भी इस नाम को कॉपी करें और यहाँ पर इसको पेस्ट करें. बाकी जो हमारे पास है ये जो हमने ये डिज़ाइन है ये जो कोड है इसको कॉपी करें और यहाँ पर इसको पेस्ट करें. इसको यहाँ पर जो है पेस्ट कर दें. बाकी ये जो यूजर टाइप आईडी वन है इसको ख़त्म कर दें और यहाँ से हमारे पास जो है इसको ये कैटेगरी एमवी जो है इसको और कैटेगरी एमवी तो कॉपी करें और यहाँ से इसको पास करें. तो ये हमारे पास हो गया क्रिएट कैटेगरी जो गेट मेथड है. अब इसके बाद हमें पोस्ट मेथड को भी सेट करना है. तो यहाँ पर इसको कॉपी करें यहाँ से और पेस्ट करें और यहाँ से कैटेगरी एमवी. इस एमवी को अगर आपको स्मॉल रखने है कैपिटल रखना है ठीक है एक ही बात है, लेकिन कैपिटल रखना है क्योंकि स्टैंडर्ड तरीका यही है. बाकी जो भी इसके बाद वर्ड आता है मतलब एक वर्ड कंप्लीट हो जाए तो उसका पहले जो वर्ड है वो आप कैपिटल रख सकते हो. वैसे आप सबको स्मॉल भी रख सकते हैं जैसे आपकी मर्जी रख सकते हैं, लेकिन सही तरीका यह कि बाद में जब ये कोड कोई और देखे तो उसको समझ आ सके. ओके कैटेगरी एमवी और ये हमारे पास क्रिएट हो गया. अब इसके बाद हमें इस कोड को दोबारा कॉपी करना है यहाँ से उसको पेस्ट कीजिए. इससे हमारे पास ही वैलिडेशन और ये फीचर्स हमारे पास आते हैं कि अगर हमें कंपनी आईडी की ज़रूरत पड़े या ब्रांच टाइप या ब्रांच की जिस चीज़ की भी ज़रूरत पड़े तो ऑलरेडी इसमें है. तो चलिए मॉडल स्टेट अब चेक करें कि कैटेगरी तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड नहीं है. तो चेक द कैटेगरी कैटेगरी हमने चेक कर दिया. अब डी बी या टी बी एल कैटेगरी सो नो दैट द कैटेगरी एंड देन उसके बाद हमें यू डॉट यहाँ पर कैटेगरी नेम ये हमारे पास है कैटेगरी एम वी और यहाँ पर उसका नाम और इसके बाद यहाँ पर एंड एंड हमें एंड एंड और यहाँ पर हमें सेट का यू डॉट कंपनी आई डी इज इक्वल टू कंपनी आई डी इस कंपनी में चेक करें और इसके बाद इस कंपनी की इस ब्रांच में चेक करें यू डॉट ब्रांच आई डी इज इक्वल टू ब्रांच आई डी. ओके सो ये हमारे पास इस ब्रांच में इसको चेक करें. तो अब ये चेकिंग हुआ अगर ये यहाँ पर न ले तो इट्स मीन्स के ये स्टॉक में नहीं कैटेगरी. तो फिर इसके बाद टी बी एल कैटेगरी जो है उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कीजिए और यहाँ पर न्यू कैटेगरी इसको कॉपी कीजिए यहाँ पर पेस्ट कीजिए और यहाँ पर इसका फील्ड जो है वो इनिशियलाइज कीजिए कंपनी आईडी इज इक्वल टू कंपनी आईडी और इसको ख़त्म कीजिए और इसके बाद इससे कॉपी ले लें और यहाँ पर कर दे ब्रांच आईडी
और यहाँ पर भी ब्रांच आईडी। फिर इसके बाद यहाँ पर ये कैटेगरी नेम और यहाँ पर भी कैटेगरी एमवी डॉट कैटेगरी नेम। इसके बाद यहाँ पर यूजर आईडी ऐड करें जो लॉगिन यूजर है उसका, और यहाँ पर यूजर आईडी जिसने इसको क्रिएट किया हुआ है यूजर आईडी। और इसके बाद यहाँ और यहाँ पर करें डॉट टीबीएल कैटेगरी और इसको कॉपी करें न्यू कैटेगरी, यहाँ पर इसको पेस्ट कीजिए, यहाँ पर ये ऑल ब्रांचेस जो है इसको रिप्लेस कर दे इस ऑल कैटेगरी से, क्योंकि जब कैटेगरी ऐड हो जाए तो यहाँ पर इसको आना चाहिए। बाकी अगर कोई मसला कोई इशू हो गया तो उसके बाद जो है हमें इस कैटेगरी एक काम करते हैं, यहाँ पर कैटेगरी एमवी पे चलते हैं और उस पर चेक करें कैटेगरी का नाम क्या है यहाँ पर। सो गो टू ओके कॉपी दिस नेम और दोबारा जो है यहाँ पर इसको के ये कैटेगरी ऑलरेडी एग्जिस्ट है, और अगर कोई इशू कोई मसला या जो भी हो जाए या डेटा इनकरेक्ट है तो दोबारा वो डेटा वापस व्यू में पास करें और इसको मैसेज भी शो करें कि मतलब सही डेटा जो है वो मतलब या ऑलरेडी एग्जिस्ट है या जो भी मसला है वो उधर शो हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर एक व्यू को ऐड करना है क्रिएट कैटेगरी को, यहाँ पर आके क्रिएट पर क्लिक कीजिए, फिर उसके बाद जो है टी बी एल क्रिएट कैटेगरी सॉरी, और यहाँ से इस क्रिएट को जो है वो क्रिएट करें इस व्यू को, और फिर उसके बाद दोबारा यहाँ पर आ जाइए, ये एडमिन कॉन्फ़िग और क्रिएट ब्रांच का जो कोड है डिज़ाइन है उस पर जाइए, डिज़ाइन सिर्फ उससे कॉपी करें, जो डिज़ाइन हमारे पास है वो यहाँ तक आप इसको कॉपी करें क्रिएट कैटेगरी को, यहाँ तक उसको कॉपी करें यहाँ तक, मैं इसको पेस्ट कीजिए, बाकी ये क्रिएट कैटेगरी इसको ख़त्म करें, यहाँ पर भी इसको करें कैटेगरी, और ये हमारे पास है ईआरपी यहाँ पर ईआरपी एमवी डॉट मॉडल्स डॉट कैटेगरी एमवी, और यहाँ से भी बैग में हम कैटेगरी हो गया हमारे पास। अब मैं यहाँ पर इसको रिप्लेस करना है तो चलिए क्रिएट ब्रांच पे, और यहाँ तक की जो नी इसके साथ जो है इसको कॉपी करें एंड गो टू द क्रिएट और इस पे यहाँ पर इसको रिप्लेस कर दें। ब्रांच आईडी नहीं यहाँ पर कर दें कैटेगरी आईडी, कैटेगरी आईडी इस तरीके से कंपनी आईडी, बाज़ औक़ात की नहीं होते तो इस वजह से जो है वो व्यू पे डेटा पास नहीं, मतलब पोस्ट मेथड में डेटा पास नहीं होते, तो इस वजह से इसको हम यहाँ पर लिखते हैं डॉट ब्रांच आईडी, क्योंकि जब आप मॉडल व्यू बनाते हैं तो इसमें आपको ये सब फील्ड में यहाँ पर कुछ ना कुछ लिखना है, ठीक है। तो बस मैं इसको हिडन लेता हूँ कि इसमें हमें डेटा नहीं चाहिए, बाकी यहाँ से जो है ये क्रिएट है कैटेगरी। चलिए ऐसा करते दोबारा जो है यहाँ पर हम चलते हैं ये कैटेगरी ये स्टॉक ऐसे क्रिएट कैटेगरी का ये जो मेथड है पोस्ट वाला इसका नाम कॉपी करके और फिर पेस्ट करें यहाँ पर, और जो उसका कंट्रोलर है वो है स्टॉक। सो सेव द चेंजेस कंट्रोल के कंट्रोल डी, बाकी ब्रांच आईडी और ये कंपनी आईडी यूजर आईडी की हमें ज़रूरत नहीं है, बस हमें सिर्फ ब्रांच आईडी चाहिए कैटेगरी नाम चाहिए। तो ये हमारे पास क्रिएट हो गया, अब यहाँ पर भी हमें स्टॉक पे जाइए और इसका जो है ऑल कैटेगरीज जो है बैग के लिए हमें जो है इस मेथड पे दोबारा फिर जाना है, अगर बैग जाने वो इसको क्रिएट नहीं करते कैटेगरी को तो यहाँ से फिर बैग जा सकते हैं। सो नाउ देन रन द एप्लीकेशन एंड चेक कि हम कैटेगरी हमारे पास क्रिएट होते हैं क्या नहीं। सो नाउ वेट टिल टू रन द एप्लीकेशन सक्सेसफुली, लॉग इन
हमारे पास ये लॉग इन हो गया है। अब इसके बाद हमें जाना है यहाँ पर स्टॉक पे, कैटेगरी पे, और यहाँ से कैटेगरी को हम क्रिएट करते हैं न्यू कैटेगरी। अब ये देखिए यहाँ पर न्यू ब्रांच, ये ब्रांच टाइप को हमें ख़त्म करना है, न्यू ब्रांच टाइप को, ये न्यू ब्रांच नहीं, न्यू कैटेगरी। सेव द चेंजेस एंड देन रिफ्रेश द व्यू द पेज। यहाँ पर ये न्यू कैटेगरी, अब कैटेगरी। सो यहाँ पर हमें कैटेगरी को एंटर करते हैं, चलिए मैं यहाँ से अदर कैटेगरी एंटर करता हूँ। यहाँ कैटेगरी का नाम मुझे बता दे, शैम्पू चलो ऐड कर दें, क्रिएट करते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पर कैटेगरी ऐड हो गया है। अब अगर मैं यहाँ से लॉग आउट हो जाऊँ और किसी और ब्रांच में यहाँ पर लॉग इन हो जाऊँ, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर अब हमारे पास ये स्टॉक में कैटेगरी यहाँ पर शो नहीं होगा, वो अलग अपने लिए अगर शैम्पू ऐड करेगा तो अपने लिए अलग ऐड करेगा यहाँ पर, ठीक है ना, वो यहाँ पर शो नहीं होगा। चलिए मैं यहाँ पर उस ब्रांच को एक और भी ऐड करता हूँ, सोप कस्पिन एस ओ और एस ओ ए भी, चलिए इसको कंटिन्यू करते, मतलब ऐड करते तो ये ऐड हो गया। अब ऐसे मैं लॉग इन होता हूँ, तो अब देखिए अब अगर एक और ब्रांच अपने लिए ऐड करेगा तो उसको भी ये शो नहीं होगा कि एक कंपनी का अगर हो भी तो फिर भी हर ब्रांच जो है अपने लिए अलग जो है वो उसको ऐड करेगा। तो चलिए मैं यहाँ पर जाता हूँ, अब देखिए तो यहाँ पर सिर्फ जिस कैटेगरी को इसने ऐड किया है सिर्फ वही कैटेगरी इसको शो होता है। चलिए मैं यहाँ पर भी शॉप को ऐड करता हूँ, अब ये देखिए यहाँ पर अब ये शो होता है। सो ये हमारे पास है कि हर ब्रांच अपने लिए कैटेगरीज को ऐड करेगा स्टॉक का। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो, वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट दिस एडिट ऑप्शंस। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।